फ्रेंड्स, हम लोग अभी पिथौरागढ़ के मोस्ट मानु मंदिर जा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, थोड़ी देर बाद हम मंदिर पहुंच जाएंगे और आप लोगों को मंदिर का ब्यूटीफुल व्यू दिखाएंगे और वहां भगवान जी के दर्शन कराएंगे। फ्रेंड्स, मोस्ट मानु टेम्पल पहुंचने के लिए हमें 7.3 किलोमीटर का रास्ता पार करना पड़ेगा और वो है चंडाग हिल्स में। तो हम पहुँचने वाले हैं वहाँ। तो फ्रेंड्स, ये वाले पहाड़ देखिए, पूरे कटे पहाड़ है ये, देखिए बिल्कुल खड़े है ये सीध पे। रास्ता देखिए वाला, और नीचे को हमारे पिथौरागढ़ का नज़ारा देखिए, पूरा पिथौरागढ़ दिख रहा है इधर से, ऊपर जाके और अच्छा दिखेगा। तो अभी हम जा रहे हैं चंडाग वाली रोड पे, ये रोड हमारी जाती है चंडाग को। चंडाग यहाँ का बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और इधर पे बर्फबारी भी खूब होती है। लेकिन हमें देखने को तो मिली नहीं, फिर भी कुछ टाइम बाद पड़ सकती है इधर बर्फ। और इधर एक और मंदिर है, जय माता दी। अब थोड़ा व्यू अच्छा लग रहा है इधर। और ये चार्ली बैठ रखा है इधर पे, आज हम चार्ली को भी ले जा रहे हैं घुमाने को। ये हमारा चार्ली सो रखा है अभी। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं मोस्ट मानु मंदिर, और ये देखिए मंदिर के बाहर का व्यू, इतने अच्छा आर्किटेक्चर है इधर पे। इसे पकड़ो तो। तो यहाँ पे लायन बन रखे है, और इधर पे देखिए इतना बढ़िया आर्किटेक्चर है। फ्रेंड्स, अब हम लोग मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं और यहाँ पे मंदिर के बारे में लिख रखा है। तो यहाँ पे लिखा रहा है, ये मंदिर पिथौरागढ़ से 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे स्थित है, और ये मंदिर बहुत ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड वाला मंदिर है। देखिए आप लोग, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है इसकी। और यहाँ मंदिर परिसर में मेला भी लगता है हर साल। तो ये देखिए मंदिर का व्यू। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मंदिर कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे और मंदिर के अंदर का नज़ारा भी दिखाते हैं। यहाँ पे झूला भी लग रखा है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम आगे को। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रहा हूँ मंदिर के अंदर, तो मिलता हूँ आप लोगों से मंदिर के अंदर। तो और इधर से व्यू देखिए, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है इधर पे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हम सब लोग इधर आ रखे हैं। ये भाभी है, ताई जी, ये भाभी है, ये ताई जी है, और वहाँ पे मम्मी लोग है। तो बहुत बढ़िया जगह है ये फ्रेंड्स। ऊपर से देखिए कितनी बढ़िया लोकेशन है, पूरी चारों तरफ पेड़ों से घिरी हुई लोकेशन है। और हमारा चार्ली भी इधर घूम रहा है। चार्ली को हमने इधर छोड़ रखा है घूमने के लिए, क्योंकि नीचे साइड को बड़े बड़े डॉग्स थे तो उसे काट सकते थे। और ये देखिए पेड़, पूरे चीड़ के पेड़ है इधर पे। इन पेड़ों की वजह से इस एरिया में बहुत ठंड रहती है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया लोकेशन है इधर की। ये देखिए और चार्ली को, चार्ली को हम छोटे में ही पहाड़ ले आए, पहाड़ों का सफर, और ये दौड़ने लग गया है इधर पे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग इधर बैठ रखे हैं और इधर इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। और अब हम जाते हैं मंदिर के दर्शन करने। और यहाँ से देखिए पिथौरागढ़ का, पूरे पिथौरागढ़ का कितना बढ़िया व्यू आ रहा है इधर से। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ। फ्रेंड्स, देखिए पूरा पिथौरागढ़ कितना अच्छा दिख रहा है। और हम जाते हैं मंदिर के दर्शन करने, चलो मम्मी। फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ रहे हैं मंदिर के अंदर को। यहाँ पे देखिए घंटियाँ लगी है इधर पे, और यहाँ पे देखिए ये हमारा मंदिर है, मोस्ट मानु मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग सूर्य उतारते हैं और फिर जाते हैं अंदर दर्शन करने।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरे मंदिर के दर्शन कराऊंगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए प्लीज़।